नमस्कार, मैं राजीव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे शिक्षा में सुनी निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIITI द्वारा संकेत एक रोचक और नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 5 के गणित विषय की पुस्तक गिनतारा के पाठ 8 दशमलव जोड़ घटाना पाठ में एक नवाचार स्व अध्ययन की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय और कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIITI के कई नवाचार के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। पाठ का सार: प्रस्तुत पाठ दशमलव जोड़ घटाना, दशमलव संख्याओं के जोड़ घटाव और इनके तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित पाठ है। इसमें गणित के साथ भाषा के लिए हिंदी विषय को भी एकीकृत किया गया है। नवाचार की नवीनता: इस नवाचार की नवीनता उपयोगिता यह है कि कक्षा के छात्र सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली तथा व्याकरण कौशल को बढ़ाते हैं तथा गतिविधि का आनंद लेते हुए सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं। आइए इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को देखते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों को पढ़ाए जा रहे पाठ में निहित दशमलव संख्या को जोड़ना और घटाना की जानकारी पर समझ विकसित करने के लिए पुनः अध्ययन की अवधारणा के साथ लागू करते हैं। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है और इसमें पूर्व प्रबंधन के तौर पर रंगीन चार्ट पेपर और एक छोटे से बॉक्स की व्यवस्था करनी पड़ती है। शब्द सागर गतिविधि के निर्देश: गतिविधि को शुरू करने से पहले शिक्षक यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि सभी विद्यार्थियों ने दशमलव संख्या जोड़ घटाना को अच्छी तरह से समझ लिया है। गतिविधि कराने से एक दिन पहले सभी विद्यार्थियों से पाठ से संबंधित दशमलव संख्याओं की पर्ची बनाकर लाने के लिए कहा जाता है। शिक्षक रंगीन चार्ट पेपर से बॉक्स को विद्यार्थियों से सजवाते हैं और उस पर शब्द सागर लिख देते हैं। शिक्षक गतिविधि के नियम बताते हैं और सभी विद्यार्थियों को समान रूप से भाग लेने का अवसर देते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा दशमलव संख्याओं के लिखे पर्चियों को शब्द सागर बॉक्स में डाल देते हैं। फिर किसी एक विद्यार्थी को बुलाकर डाली गई पर्चियों में से दो पर्ची निकालने के लिए कहते हैं और पर्चियों के दशमलव संख्याओं को ऊंची आवाज में पढ़ने तथा उनके योग व अंतर बताने के लिए कहा जाता है। वह पर्ची निकालता है और पर्ची पर लिखे संख्याओं को पढ़ता है तथा उनके योग बताता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। एक विद्यार्थी आता है, पर्ची निकालता है और पर्ची में माना कि 4.087 तथा 3.87 लिखा है। विद्यार्थी पर्ची देखकर इस तरह संख्याओं को बोलते हैं और योगफल बताते हैं: 4.087 तथा 3.87 और इसका योगफल है 7.957। इस प्रकार सभी विद्यार्थी बारी बारी से आकर पर्ची निकालते हैं और पर्ची पर लिखे संख्याओं को पढ़कर सुनाते हैं और उनके योग या अंतर बताते हैं। विद्यार्थी द्वारा नहीं पढ़ पाने या नहीं बता पाने की स्थिति में शिक्षक उनकी मदद करते हैं। गतिविधि के समापन के साथ विद्यार्थियों को दशमलव संख्याओं को जोड़ने और घटाने के कॉन्सेप्ट की जानकारी का पुनः अध्ययन हो जाता है। आइए इस नवाचार के क्रियान्वयन से होने वाले लाभ और प्रतिफल के बारे में जानते हैं। शब्द सागर गतिविधि: पाठ से संख्याओं को चुनाव करके उन्हें पर्चियों पर लिखने और उसे विषय वस्तु के साथ जोड़कर बोलने की गतिविधि है। इससे कॉन्सेप्ट समझने और स्मरण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। बड़ी संख्याओं के तुलनात्मक अध्ययन, 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना और लिखना, स्थानीय मान को समझना और चार मूल संख्याएं जोड़ घटाव गुणा तथा भागफल का अनुमान लगाना सीखते हैं और विभिन्न तरीकों से इसकी पुष्टि करना भी सीखते हैं और भिन्नों के बारे में भी सीखते हैं। छात्र आसपास अपने परिवेश में घटने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, निजी अनुभवों को साझा करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इससे भाषा सीखने के स्तर में भी वृद्धि होती है। इस नवाचार से विद्यार्थियों में
आप विश्वास, विनम्रता एवं सहयोग के मूल्यों और प्रभावी संप्रेषण गहन सोच के कौशल का विकास होता है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होने और बाल केंद्रित दृष्टिकोण होने से एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। इस नवाचार में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात का भी पूरा ध्यान रखा गया है। शिक्षक दशमलव जोड़ घटना पाठ को उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम के अनुसार अक्टूबर माह में पढ़ाते हैं और बच्चे रोचक और नवाचार के साथ गतिविधि का आनंद लेते हुए पढ़ाई करते हैं। इस नवाचार का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZIIEI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पार्ट्स लैब भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।